हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरण जोत कौर तुहाडा प्रताप अकैडमी एग्जाम की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अज असी करांगे अक्टूबर मंथ दे साइंस एंड टेक दे रिलेटेड क्वेश्चंस करांगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाल रिलेटेड क्वेश्चन करांगे। नाल नाल अगर तुसी सेल्फ स्टडी करन दे हो, ओके, अगर तुसी सेल्फ स्टडी नाल करन दे हो ते कितना दी तैयारी करनी है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो किसी भी तुसी मंथ वाइज करो तो बैटर है, ओके। जिदा 6 मंथ दा जून जुलाई तो लैके ठीक है दिसंबर तक, अगर एग्जाम जनवरी में होंगे, ओके, तो फिर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स करके जाओ। साइंस टेक नू पढ़ना कि हर मंथ दे जे कोई मिजाइल लॉन्च हुई है, ठीक है, या फिर कोई इंडिया मतलब कोई वैपन्स लॉन्च होया, अगर इंडिया ना रिलेटेड तो पढ़ना ही है, ठीक है। अगर इसरो ने कोई मिजाइल लॉन्च की या सैटेलाइट लॉन्च की है, या फिर मतलब कि होर कोई वैपन्स मतलब कि लॉन्च होए, वो तो तुम पढ़ने ही है, ठीक है। तो इस तो अलावा अदर कंट्री जिमें नासा के या बाकी अदर चाइना स्पेस स्टेशन है उन्होंने कोई सैटेलाइट लॉन्च होंगी है, जो सारिया नहीं पढ़निया, जो स्पैशली जो यूनीक है, जो न्यूज़ में है, जो स्पैशल अलग कुछ उन्होंने कुछ लॉन्च किया, ठीक है, वह पढ़ना होंगे साइंस एंड टैक। बाकी साइंस एंड टैक में जिदन तुम्हें पता वे कि जिदा करोना वायरस चलन दिया, कोविड-19 आया, उस तो बाद ओमिक्रॉन आया, तो इस रिलेटिड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये मतलब कि हों की प्रॉब्लम है, वायरस है, बैक्टीरिया है, वह रिलेटिड भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। बाकी रीसेंटली जो भी 6 महीने के अंडर साइंस न रिलेटिड कोई भी नवी कोई डिस्कवरी हुई है, ठीक है, वह रिलेटिड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके। तो बाकी अगर तुम मतलब फुल कोर्स लैना जैसे 6 वीक करंट अफेयर का कोर्स लैना तो वह भी साडा अवेलेबल है, ठीक है। वो हर मंथ का भावें वह पोलिटिकल इशू है, भावें वह मतलब कि नैशनल इंटरनेशनल है, ठीक है, जां बिल्स वगैरह ना एक्ट्स ना रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, वो असी करंट अफेयर जरा असी महीने के वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन से भी तुम रिविजन कर लोगे फिर भी ताडा मोर दैन इनफ है, ओके। तो हम असं करते हैं अक्टूबर महीने का, ओके। साडा ये चैनल है प्रताप अकैडमी, ठीक है, तो ऐप है एग्जाम की क्लासेस ऐप है, ओके। इस ते की है कि तुहाडा फुल कोर्स अवेलेबल है किसी भी एग्जाम की क्लासेस की तैयारी करनी, जिवें कि तुहानू पता है कि थर्ड वेव का मतलब न्यूज़ चल रही है कि थर्ड वेव दोबारा आ सकते हैं, उसके करके हो सकता है कि मतलब कि है कि तुहानू घरे बह के तैयारी करनी हो, बहुत वधिया प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन तैयारी करन दा, ओके। जिस तरह पिछे भी सी कि लॉकडाउन लगा सी तो बच्चे बहुत रिलैक्स हो गए कि हुण किहड़े एग्जाम होने, बट बहुत सारे बच्चे से जिन्होंने लॉकडाउन में भी पढ़ाई की सी और उस तो बाद जो एग्जाम आए तो उन्होंने एग्जाम बड़े ईजली क्रैक कर ले क्योंकि उन्होंने अपने अपने इस टाइम को वधिया यूटिलाइज किया। ईवन कई केस तो एवं इदा के कि कई बच्चों को कोविड-19 भी सी फिर भी उन्होंने पढ़ाई करते रहे, ओके। तो एक जज्बा हों तैयारी कर, नहीं सोचना कि मतलब कि हूँ एग्जाम लेट हो गए, चलो वधिया मूवीज़ वगैरह देखो, नैटफ्लिक्स वगैरह, प्राइम, एमेजॉन, जो भी उन्होंने रिचार्ज करवा लो तो उ देखते रहो। देखो कोई भी चीज़ है ना, भावेंेरा वै भावें रोशनी है, वह पूरी हर टाइम नहीं रही, हनेरा रोशनी चलता ही रहा। अगर अज मतलब की है कि लॉकडाउन है, कल ओपन भी होएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ ना ही हमेशा लिए ओपन रही है ना ही क्लोज रही है, ओके। तो इस चीज़ को अगर बाय चांस अगर इदा केस होंगे कि तुहाडे एग्जाम अगे चले जाते हैं, तुहाडे को बेस्ट ओपरचुनिटी है, वधिया तैयारी करो, ठीक है। एग्जाम होर भी आएंगे, सेंटर के भी एग्जाम आएंगे, स्टेट के भी एग्जाम आएंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ रुकती नहीं हैगी, बस उस चीज़ को बेस्ट टाइम है तुहाडा कि बेस्ट अपनी तैयारी कर लो। अगर तुहानू 1-2 महीने का टाइम मिलता है तो वह तुहानू सिर्फ वेले बहन लिए नहीं मिलता, उस चीज़ को यूटीलाइज करो, अपनी वधिया इन्ने वधिया तरीके तैयारी कर लो कि जदों भी मतलब कि होवेगी सब कुछ ठीक हो गया, हुण तुहाडा एग्जाम शुरू है होने वाले, तो पूरा कॉन्फिडेंस होए कि मेरा एग्जाम तो क्लीयर हो जाएगा, ओके। इस बस सू सबर रखना पएगा और वधिया घर बह के तैयारी करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट सोर्स होंगे वै कि जो घर बैठ के सारी वधिया तैयारी कर लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, रिविजन कर लो बार बार, ताकि जितना एग्जाम आए तो तुसी तुहानू कोई वह ना हो कि मेरे को टाइम घट रह गया, ओके। तो इस चीज़ में जो तुसी पिछे गलतियां कीतियां वह गलतियां अपने ना दोहरायो, वधिया बह के तैयारी करो, ओके। तो साढ़े नंबर है, कोई भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, इन्ह नंबर से कॉल करके कोई भी तुम डाउट्स है, ठीक है, पूछ सकते हो। देखो सेंटर के एग्जाम भी आएंगे, ठीक है, जे स्टेट्स के एग्जाम भी चलते रहेंगे, अदर स्टेट के एग्जाम भी चलते रहेंगे। तो एक बार अगर तुम ये की है कि इन्हें अगर तुम मतलब कि घर बैठे हो तो तुम फुल सिलेबस की एक बार तैयारी कर लो, ठीक है, उस तो बाद कोई भी एग्जाम दो ईजीली क्रैक कर लोगे, ओके। बाकी कोई भी डाउट है इन्होंने नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है, साडा एग्जाम की क्लास ऐप है।
इनू डाउनलोड कर लो तुसी प्ले स्टोर तो। नैक्सट ओके हम असं क्वेश्चन करते हैं साइंस टैक्नोल रिलेटेड। जिदा कि मैं तुम्हें पहला किया कि कोई भी अगर कोई न्यूज़ में कोई भी मिजाइल वगैरह वो बारे सूँ पता होना चाहिए अगर कुछ वो यूनीक है। हूँ ये मतलब की है पहला की है लैंडसैट 9 जी है ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है इस तरह की है इनू कहते हैं सैटेलाइट। ओके ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। क्वेश्चन ये है कि लैंडसैट जी 9 सैटेलाइट है वो कि कंट्री द्वारा लॉन्च की गई है। ओके लैंडसैट जी सैटेलाइट है यदा काम है ठीक है यदा काम है अर्थ का ऑब्जरवेशन करना अर्थ को मोनीटर करना। ठीक है अर्थ जो लैंड अर्थ का जो सर्फेस है उन्होंने मोनीटर करने का काम करता है अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट है। हुण इस तरह की सैटेलाइट की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है जो ये जी सैटेलाइट है ये पहला मैं दस रही कि द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है ये यूएसए के ठीक है यूएसए की जी स्पेस ऑर्गनाइजेशन है इसरो सॉरी नासा अजक इसरो बहुत फेमस हो गई है। असं पहला कहें होंगे कि हाँ नासा जाना हम तुम वजी तैयारी करके इसरो जा सकते हो। ठीक है बहुत फेमस है अपनी स्पेस ऑर्गनाइजेशन। ठीक है यूएसए की नासा ने लॉन्च की है लैंडसैट 9 सैटेलाइट। ठीक है एक अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट है। ठीक है इधर की है ये सैटेलाइट लॉन्च करना की होंगे वा यदा फायदा यह होंगे कि मतलब धरती के उत्ते कितने मतलब कि ग्लेशियर जहाँ पिघल रहा फॉरैसट किमें रहा मतलब कि एरिया जो बंजर हो चुका है कितने हरियाली है। ओके होर भी जो ओशियन है कि मतलब कि अगर वह वाटर सर्फेस लैवल जरा घटिया हुआ है जब वध्या हुआ। ठीक है तो पूरे धरती जिदा असं मतलब कि कोई पंजवीं छवीं मंजिल तो खड़े असं नीचे गली देख सकते हैं कि चलन दिया उदा जी अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट होंगी है ये धरती का वेरवा ले लेंदी है एनालाइज कर लेंदियां वै कि मतलब धरती के किस एरिया किमें किमें सर्फस है किन्ने माउंटेन्स है फॉरैसट किमें। ठीक है वो कि बहुत हेल्प मिलती है साइंटिस्ट को इनवायरमेंट को कि मतलब कि जो स्टडी करते हैं कि सू मतलब कि फर्क पिया जा पिछले 10 साल पहला धरती की कंडीशन कहोजी सी हूँ 10 साल बाद धरती की कंडीशन किमें दी है। ओके सारे मतलब कंट्रीज अपना अपना लॉन्च कर दी है। ओके एक इन्हें लॉन्च की है लैंडसैट 9 ने लॉन्च मतलब इसरो ने नासा ने लॉन्च की है लैंडसैट 9। ओके इस तरह इंडिया ने भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। और हाँ एक गल जी लैंडसैट 9 है इसरो की सैटेलाइट है नासा सॉरी नासा इसरो याद रहा नासा की सैटेलाइट है। ओके इन्हें न्यू आई इन द स्काई भी कहें। ठीक है क्योंकि सीरीज है लैंडसैट 9। ठीक है इस तो पहला भी इन्हें लॉन्च की है लैंडसैट 8 भी लॉन्च की है। ठीक है इन्हू कहते न्यू आई ऑन स्काई न्यू आई इन स्काई। ओके हो सकता है फ्रेम यूज करके पूछ ले न्यू आई इन द स्काई जी है वो किस सैटेलाइट नू कहा गया लैंडसैट 9 सैटेलाइट नू कहा गया। ओके ते ए नहीं है कि सिर्फ मतलब कि इसरो ही नासा ही इहदे अल है इंडिया दा जिहड़ा इसरो है। ठीक है उसने भी बहुत सारी इदा दी अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिमें ईओएस 1 ओशियन सैट 1 रिसोर्स सैट 1 या 3DR। ठीक है इस तरह की सैटेलाइट लॉन्च की है इनसैट जिदे भी इनसैट सैटेलाइट है। ठीक है और इस तो अलावा कार्टोसैट ये सारिया जो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए ये भी ऑब्जरवेशन कर दी है। ठीक है हम इंडिया च मतलब भारत की ऑब्जरवेशन कर दी है कि भारत के कि एरिया मतलब किड़े एरिया जितने फॉरैसट ज्यादा है माउंटेन एरिया ज्यादा वे कितने रिवर बहती है कितने नदियां सुक गई वा। ठीक है तो यदा भी काम यही है कि भारत की जी जोग्राफिकल लोकेशन है उन्होंने पूरे को स्टडी करती है सैटेलाइट के राही कि भारत उपरों की देखना कि मतलब किदा का मतलब चलन दिया जोग्राफिकल एरिया किदा का माउंटेन्स। ठीक है फॉरेस्ट लैंड एरिया के वे ओके ये सारे सैटेलाइट है जी इसरो ने लॉन्च की है। ओके रिसोर्स सैट री सैट ठीक है ईओएस ओशियन सैट। ओके समझ आया नेक्स्ट कर दें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हवन सोंग के नाँ तो हव सोंग 8 के नाँ तो हाइपरसोनिक मिजाइल लॉन्च की गई है। ठीक है ये जी मिजाइल है एक किस कंट्री द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है ये मिजाइल इदा दी है हाइपरसोनिक मिजाइल। ठीक है तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है नॉर्थ कोरिया। ठीक है नॉर्थ कोरिया द्वारा लॉन्च की गई है।
ओके नॉर्थ कोरिया द्वारा है लॉन्च की गई है। और हाइपरसोनिक मिसाइल तो तुम की समझ दे हो, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल ये समझ लेने असि। देखो जेडी मिसाइल होंगी उन्हां दी स्पीड रेंज होंगी, स्पीड के अकॉर्डिंग असं दस सकते हैं ये मिसाइल केड़ी है सबसोनिक है, ठीक है। एक होंगी सबसोनिक मिसाइल, ठीक है, उस तो बाद होंगी ट्रांस सोनिक मिसाइल, उस तो बाद होंगी सुपरसोनिक, फिर उस तो बाद हाइपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक। थोड़े से कितना पता लगता है कि केड़ी मिसाइल सबसोनिक है, केड़ी ट्रांसोनिक है, केड़ी सुपरसोनिक है, इन्हां दी स्पीड रेंज दो, ठीक है, किन्नी स्पीड ते मात कर दिया ने, ठीक है, उते डिपेंड करता। हुण इन्हां दी स्पीड चेक कीती जांदी मैक दे रूप च, ठीक है, मैक कह देंगे 1 मैक जेदा है वो इक्वल टू है स्पीड ऑफ एयर, ठीक है, मैक से डिपेंड करता कि तू केड़ी कैटेगरी च करना रखना, ठीक है। स्पीड ऑफ एयर कितनी होती है 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर है, 1 मैक जेदा है वो स्पीड ऑफ एयर के बराबर है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग होंगी। हम जी सबसोनिक है वो स्पीड है 0.8 मैक, ओके, और जो ट्रांसोनिक है इसकी स्पीड है 0.8 to 1 मैक, और ये सुपरसोनिक है इसकी स्पीड है 1 to 5 मैक, और हाइपरसोनिक की स्पीड है 5 मैक तो ज्यादा, मोर देन 5 मैक, 10 मैक तक, ठीक है, और हाइपरसोनिक भी 10 to 25 मैक तक चल जाती है, ओके। ये अकॉर्डिंग असं दसते हैं कि ये जी मिजाइल है ये सबसोनिक चाहेगी, हाइपरसोनिक चाहेगी, हाई हाइपरसोनिक चाहेगी, ठीक है। हम जी हेवन सोंग है 8 जी नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है, ओके, नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है, ठीक है, कितने लॉन्च की है, प्योंगयांग में लॉन्च की है, ठीक है, ठीक है, एक कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, इतने लॉन्च हुई है, ओके, यही कह रही है हाइपरसोनिक में आती है, ठीक है, एक न्यूक्लियर मिजाइल है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने जो ये मिजाइल लॉन्च की तो उन्हें कहा कि ये जी मिजाइल है न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिजाइल है, ठीक है, इन्नी इफेक्टिव है कि यूएसए का जो मेनलैंड है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर सकती है, ओके। वैसे कि एक नॉर्थ कोरिया के जो प्रेजिडेंट है वो मतलब कोई ना कोई वार्निंग देंदे रहेंगे यूएसए के खिलाफ, ओके। तो जो ट्रंप प्रेजिडेंट से अमेरिका के तो इन्होंने काफ़ी गर्म मतलब आर्ग्यूमेंट रेंदे कि मतलब कि मैं अपनी न्यूक्लियर मिजाइल लॉन्च कर देंगे तो यूएसए ने अपनी लॉन्च कर देंगे, तो इन्होंने काफ़ी रहा वा, तो नॉर्थ कोरिया अपने इस चीज़ों की न्यूज़ में रहा वा, ठीक है, स्टेटमेंट्स करके वार्निंग करके और जी स्पेशली मिसाइल लॉन्च होंगी उ, ठीक है, उस करके काफ़ी न्यूज़ में रहा, कि समझ आ गया मैक, ठीक है, मैक का स्पीड ऑफ एयर, तो ये अकॉर्डिंग असं दसते हैं कि मिसाइल आए। इंडिया ने भी हाइपरसोनिक तक डिवेलप कर चुके हैं मिसाइल, ओके, तो इंडिया वाले चीज़ का ब्रह्मो मिसाइल पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ा असं जो मतलब मंथ इंडिया के जिंदा मतलब पहला गया हूँ मिसाइल सिस्टम है इंडिया ने कि मिसाइल लॉन्च की है कि मतलब लोंग रेंज है कोई शॉर्ट रेंज है मिडल रेंज मिसाइल है जो कि सबसोनिक है सुपरसोनिक है इंडिया के रिलेटिड भी तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। नैक्सट नैक्सट है ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल ये न्यूज़ में सी ये बारे पता कि ब्लैक होल होंगे की है, ओके। क्वेश्चन की कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है पहली स्टेटमेंट है ब्लैक होल बारे, ठीक है, ब्लैक होल इन्हू कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल इन यूनिवर्स। हम अभी समझ लेते हैं पहला ब्लैक होल बनता कि, ठीक है, फिर तुम समझ आएगा अगे, ओके। देखो ब्लैक होल कि बनता है कि जो स्टार बनता है, ठीक है, स्टार पहला बनता स्टैटलर नेबुला, ठीक है, इस फॉर्म में बनता है, फिर उस तो बाद, ठीक है, जहाँ अरे एवरेज स्टार बनता जो फिर बहुत वाला मासिव स्टार बन जाता, फिर उस तो बाद रेड कलर का गैंड स्टार बनता, फिर रेड सुपर गैंड बन जाता, ठीक है। ये स्टार जो अपनी लाइफ स्टेज से अगे वधदे आ इन्हां दे साइज कई बार सूरज के साइज तो भी ज्यादा होंदा वा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा होंदा, फिर जो इन्हें लाइफ स्टाइज खत्म होने लगती है फिर तो जो ठंडे हो गए वाइट ड्राफ्ट सेल बन जाते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक होल बन जाते या न्यूट्रॉन स्टार बन जाते जो स्टार की एंड होंगी है, ठीक है, जो स्टार की लाइफ एंड होंगी है तो उदो या तो वाइट ड्राफ बनते हैं या न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या ब्लैक होल बनते हैं, ओके, ये ठीक है। हम ये समझ आ गया ब्लैक होल कि बनते हैं, हम अभी पढ़ा ब्लैक होल बारे,
ओके हुण असीं इमेज नूं छोटी कर लैंदे आ। क्वेश्चन देखो, ब्लैक होल नूं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुसीं साइंस टेक पढ़न दे तो तुहानूं ब्लैक होल बारे, ग्रेविटेशनल वेव बारे जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी न्यूज़ विच है। ओके, न्यूज़ विच रहिंदा, कई सालां तों न्यूज़ विच है। ओके, हुण ब्लैक होल की हुंदा, ब्लैक होल इस तरह दा हुंदा, ठीक है, इन्हूं भी तुसीं ब्लैक होल कह सकदे हो। ओके, इस तरह दा हुंदा ब्लैक होल। ब्लैक होल की हुंदा, ब्लैक होल की चीज है, एक पॉइंट है इन स्पेस। अगर तुहानूं कोई ब्लैक होल दी डेफिनेशन पूछे, इट इज अ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है, स्पेस एक पॉइंट है, ठीक है, जो इन्ना ज्यादा कंप्रेस्ड है, ठीक है, इन्ना ज्यादा ये कंप्रेस्ड है कि इहदे विचों कोई भी मैटर होवे भावे जां लाइट होवे बच के निकल नहीं सकदी, कैन नॉट एस्केप। ओके, इट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस दैट इज सो कंप्रेस दैट इवन लाइट और मैटर कैन नॉट एस्केप, मतलब बच के इहदे विचों निकल नहीं सकदी। ओके, तो इहनूं कहिंदे आ ब्लैक होल, ठीक है। हुण पता कि लगा इहदे आले दुआले ग्रेविटेशनल वेव्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स है इहदे आले दुआले, विच नाइदर लाइट और मैटर कैन नॉट एस्केप, ठीक है, तो बच के निकल नहीं सकता। हुण जिहड़े ब्लैक होल है, ठीक है, हुण क्वेश्चन यह है कि ब्लैक होल जिहड़ा वा इहनूं ब्लैक होल मर्जर जिहड़ा हुंदा वा जदों एक तों ज़्यादा ब्लैक होल, हुण देखो इत्थे दो ब्लैक होल है, जदों दो ब्लैक होल मिलते हैं, ठीक है, मर्ज होंगे, उन्होंने बाइनरी ब्लैक होल कह देंगे, ठीक है, या मासी ब्लैक होल कह देंगे, ये कई कई ब्लैक होल आके मिल जाते, फिर इदा इदा का नाम सुपरनोवा ब्लैक होल पै जाता। ओके, तो यह है। हम अस जाने क्वेश्चन से। ओके, कोई भी बाकी तुम डाउट है, जो समय का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोबारा डिटेल जो साइंस टेक के टॉपिक असं डिटेल करा तो असं ब्लैक होल समझा, और बाकी आई होप तुम समझ आ गया ब्लैक होल की है। ब्लैक होल स्पेस में एक जिदा इस तरह के, ठीक है, होल टाइप है ब्लैक होल, ये लाइट हो मैटर बच नहीं सकती, ठीक है, ये अराउंड अगर दूर कितने स्पेस च लाइट है या कोई मैटर है, ठीक है, वह तो आले दुआले घूमता रहेगा, ठीक है अपना, पर जो इसके करीब आ जाएगा फिर नहीं बच सकता। ओके, तो एक डूंगी जी जिदा खाई टाइप हों उदा बन जाता। ओके, और ये कई ब्लैक होल आके मिल जाते हैं। हूँ एक क्वेश्चन से जाने, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कह रहा है कि ब्लैक होल का तुम क्वेश्चन किदा आएगा एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चन इदा आएगा कि जो ब्लैक होल का कॉन्सैप्ट है सब तो पहला किने दिता सी, ब्लैक होल का कॉन्सैप्ट सब तो पहला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिता सी, तो जी टर्म है ब्लैक होल, जो टर्म ब्लैक होल है, ये टर्म सब तो पहला यूज की जॉन एडिबाल्ड व्हीलर ने, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, इन्होंने द्वारा ये टर्म जी यूज की गई सी। ब्लैक होल मर्जर, ब्लैक होल मर्जर जो एक तो ज्यादा ब्लैक होल मिलते हैं, ठीक है, कदों कहते हैं जो टू और मोर नॉट गलैक्सी, ठीक है, तो ध्यान रखना टू और मोर जो ब्लैक होल मिलते हैं उन्होंने असं कह देंगे, ठीक है, ब्लैक होल मर्जर या फिर बाइनरी ब्लैक होल, बाइनरी जो दो ब्लैक होल मिलते हैं उस तो ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। हुण ब्लैक होल बनते कि उस तो नैक्सट स्टेटमेंट है कि ब्लैक होल बनते कदों, ब्लैक होल फॉर्म वैन अ मासी स्टार अंडरगो अ सुपरनोवा एक्सप्लोसिव टूवर्ड एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, कह रहे ब्लैक होल उदो बनते हैं जो स्टार अपनी लाइफ के एंड च होंगे, जो स्टार की लाइफ खत्म होती होंगी उदो, जिदा मैं तुम्हें इस एग्जाम्पल में दसिया, ठीक है, वाइट ड्राफ्ट बनते हैं, सुपरनोवा बनते हैं। ओके, जिदा कि तुम मैं इस डायग्राम च दसिया कि ब्लैक होल कि बनते हैं। ओके, तो यह स्टेटमेंट थी, तो ये राइट स्टेटमेंट ने पूछा क्वेश्चन में कि इनकरैक्ट स्टेटमेंट दसो, तो ये इनकरैक्ट स्टेटमेंट कही है बी, ठीक है, ये इनकरैक्ट स्टेटमेंट कही है बी। ओके, ओनली बी, क्योंकि बी ये कह रही है कि बाइनरी ब्लैक होल या ब्लैक होल मर्जर उन्होंने कहते हैं जो तो गलैक्सियां मिलती हैं, नहीं गलैक्सी नहीं, जो तो दो ब्लैक होल मिलते हैं, दो तो ज्यादा मिलते हैं उन्होंने कहते हैं ब्लैक होल मर्जर। ओके, समझ आ गया, बस इन्ना ही समझना है, ज्यादा डिटेल्स नहीं आना, ब्लैक होल की है वो तुम समझ आ गया, बेसिक चीज जरूरी है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इनकोरैक्ट पूछा, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना कि उन्होंने तुम पूछा क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने की पूछा तुम क्वेश्चन, करैक्ट पूछा या इनकोरैक्ट पूछा, उन्होंने इनकोरैक्ट पूछा, हम तो करैक्ट स्टेटमेंट समझ के गलत ना कर दो, ठीक है, इनकोरैक्ट स्टेटमेंट ए वाली सी, तो आंसर क्या आएगा, ओनली बी, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें सैटेलाइट लॉन्च की, जिन्हें
मतलब कि सैटेलाइट दिती है, ठीक है। हुण कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो खर्चा चुकया G-SAT 24, हुण क्वेश्चन मैं इहदी पहला तुहानू न्यूज समझा देनी पूरी। देखो इसरो ने एक सैटेलाइट बनाई है G-SAT 24, ओके। G-SAT 24 जेरी है ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की होंगी है, ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की होंगी है ये समझते हैं असि। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होंगी है जिम्मे सा धरती है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो रोटेट करती ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, ये आले दुआले जो ऑर्बिटल बनया हुआ एक्सिस ये अराउंड जी रोटेट करती है, ठीक है। हुण जी सैटेलाइट है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट ये भी यही पाथ फॉलो करती है, ठीक है। ये कितना टाइम लेती है जिम्मे एक्सिस के द्वारा जो धरती घूमती है तो किन्ने टाइम से पूरा सर्कल पूरा करती 24 घंटे च एक दिन, ठीक है, दिन रात मिला के 24 घंटे। तो ये जी जो ये भी घूमती है, ठीक है, मान लो ये सैटेलाइट है G-SAT है, ठीक है, G-SAT है ये भी आले दुआले अर्थ से रोटेट करती है, ठीक है, एक्सिस के वांगू, ठीक है। तो ये कितने घंटे में पूरा करती है जो टाइम है, ठीक है, 23 hours 56 minutes 4 seconds, ओके, नियर अबाउट उन्ना ही टाइम पूरा करती है जिनी धरती के अराउंड इट्स एक्सिस करती है, ओके। तो हुण इहदा काम की है, ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है ये मतलब परपज के कादे लिए सैटेलाइट धरती के आले दुआले मतलब उत्थे लाई जाती है लॉन्च की जाती है कम्युनिकेशन परपज लिए, कम्युनिकेशन लिए, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग जिम्मे रेडियो वगैरह से या फिर वैदर की ब्रॉडकास्टिंग होनी, डिजास्टर वगैरह सुनामी वगैरह वो वार्निंग देनी है, ठीक है, वो हम तुम टैलीविजन देखते हो या ATM की सर्विस यूज करते हो, बैंक मनी ट्रांसफर करते हो, तो जी सर्विस होंगी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होंगे वो सैटेलाइट यूज होंगी है। हुण इसरो ने जी G-SAT 24 सैटेलाइट बनाई है, ठीक है, इनू मतलब कि बेची गई है टाटा स्काई की सर्विस लिए, यह बनाई गई है टाटा स्काई लिए, ठीक है, टाटा स्काई जी है DTH एप्लीकेशन दे सके, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज दे सके, ओके। हुण इस G-SAT नू बनाउण दा उहनू फंड करन दा मतलब पूरी रिस्पोंसिबिलिटी लैण दा कि लॉन्च किया जाएगा जो खर्चा पूरा कौन चुकेगी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की है भी तुहानू पता होना चाहिए एग्जाम च क्वेश्चन आ सकता। न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया की ओनली इकलौती ते पहली फर्स्ट स्पेस, ठीक है, PSU यूनिट है, पब्लिक सैक्टर यूनिट है, पब्लिक सैक्टर यूनिट है कि सरकारी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिवें बैंक होंगे, ठीक है, पंजाब नैशनल बैंक सरकारी बैंक है, ठीक है, जिवें कोई भी सरकारी कंपनी असं कह दें, ठीक है, ये सरकार के अंडर स्कूल है ये कह दें सरकारी स्कूल है, ठीक है। उस तरह स्पेस हूँ जिम्मे पता स्पेस का बहुत ज्यादा काम बदन दिया, इसरो बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करती है जिन्हें नाम जिंदा बाकी देशों ने लॉन्च की है, कई तो मतलब अर्थ मतलब धरती मतलब अपने भारत लिए सैटेलाइट लॉन्च करती है, ठीक है, कई सैटेलाइट लॉन्च करती है कमर्शियल परपज लिए, मतलब कि अगर हम प्रॉफिट भी तो चाहिए वै इसरो जो कमर्शियल परपज भी तो करेगी, ये सैटेलाइट बेचती भी है बना के, ठीक है, तो इन्हें यह सैटेलाइट बेचेगी टाटा स्काई ताकि DTH एप्लीकेशन दे सके, ठीक है। तो इस करके जी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये भारत की पहली सरकारी मतलब कंपनी कह सकते हो जी कि रिलेटेड है स्पेस ना, ठीक है, स्पेस की क्योंकि भारत में कई सरकारी कंपनी है पर स्पेस ना यूनिवर्स ना रिलेटेड पहली जो पब्लिक सैक्टर कंपनी है वह कही है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ओके, समझ आ गया। तो इन सारा फंड खर्चा करेगी G-SAT 24 इसरो द्वारा बनाया जाएगा, बाकी सारी रिस्पोंसिबिलिटी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की होगी, ठीक है, कादे लिए यूज की जाएगी टाटा स्काई फंड DTH एप्लीकेशन दे लिए यूज की जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6G टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यूज में 6G टेक्नोलॉजी वैसे कि फिलहाल की है 2020 में 5G टेक्नोलॉजी का मतलब जिक्र होया सी न्यूज में, हुण अगे मतलब कि 6G टेक्नोलॉजी बारे भी सोचा जाएगा, 6G टेक्नोलॉजी पर 2030 विच इहदे आउण दी संभावना है, ओके। तो जे 6G टेक्नोलॉजी जिहड़ी है, ठीक है, उहदी खासियत की है, वह 50 times फास्टर होएगी 5G नालों, ओके, और एक्सपैक्टेड है कदों लॉन्च होएगी 2020 या 2030 तक, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि इहदी बैंडविड्थ यूज करेगी है, ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन बनता है कि कि बैंडविड्थ यूज करेगी है, ठीक है,
ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵ ਹੈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੇਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਰਾਹਰਟਸ ਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਟੈਰਾਹਰਟਸ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਰਾਹਰਟਸ ਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵਰਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਡੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਡੋਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ठीक है सीड सी डॉट की है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है तो जी गवर्नमेंट है ठीक है उन्हें मतलब क्या है सी डॉट डिपार्टमेंट नू क्या है ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिहड़ा कम्युनिकेशन के अंदर आता है यह क्या है कि तुसी मतलब 6G टेक्नोलॉजी बारे की मतलब टेस्ट है एनालिसिस है ठीक है वो करके दसो कि इंडिया में की इहदा स्कोप रहिंदा ओके हुण तां जिद्दां कि तुहानूं पता है कि साडे जिहड़ा पहला 1G टेक्नोलॉजी आई सी ठीक है फिर 2G 3G 5G ठीक है 4G 5G और 6G टेक्नोलॉजी आएगी ओके तो इहदे फायदे तुहानूं पता है कि 1G टेक्नोलॉजी सी उदों की फायदे सी ठीक है जो 2G हो गया SMS भेज सकते 3G इंटरनेट यूज कर सकते 4G में इंटरनेट की स्पीड होर वधिया होगी हुण जिहड़ा 5G आएगा ठीक है इहदे विच मतलब कि तुसीं सेकंड्स विच जिहड़ा मूवीज डाउनलोड कर सकते हो मतलब बाकी जिहड़ी इंटरनेट नाल रिलेटेड जिन्नियां भी सर्विसेज है वो होर ज़्यादा बैटर हो जाएगियां और जो 6G टेक्नोलॉजी आएगी ठीक है वो 50 times बैटर है तो तुम इमेजिन कर सकते हो हरेक जो सर्विस सैक्टर है इंटरनेट है ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी है जिन्हिया भी सर्विसेज है जो डिजिटल है उन्होंने सारे कि ज़्यादा मतलब कि वधिया इंप्रूवमेंट होएगी एफिशंसी वधेगी ओके तो ये 6G टेक्नोलॉजी बारे ओके नैक्सट करते हैं नैक्सट क्वेश्चन ठीक है नैक्सट ऑप्शन है ये कुछ युद्ध अभ्यास जो अक्टूबर के महीने में मिलटरी एक्सरसाइज न्यूज में से ठीक है तुम्हें सही मैच करना और मित्रा शक्ति जी है उसे लिखा इंडिया तो USA के ठीक है गलत है एक्स वध अभ्यास ठीक है ये जरा वह इंडिया तो श्रीलंका में है ये गलत है अजय वरीयर इंडिया तो इंग्लैंड में यह सही है ठीक है ये तो ही सही आंसर दे सकते जो तुम्हें पता है कि मित्रा शक्ति एक्सरसाइज के हुई अजय वरीयर के हुई ठीक है जो अभ्यास 21 एक्सरसाइज के हुई इस करके मैं लिस्ट प्रोवाइड की है कि 2021 में जिन्हें भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई सी ठीक है तो तुम ये इन्ना ज़्यादा नहीं याद करना बस तुम इस चीज़ में जरूर याद रखना कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है गुरुरा शक्ति है हैंड इन हैंड है इंदिरा है खंजर है ये हुई तो भारत के नाल है पर कि कंट्री के नाल हुई जिम्मे हैंड इन हैंड चाइना के नाल हुई है इंदिरा एक्सरसाइज जी रशिया के नाल हुई है ठीक है खंजर एक्सरसाइज कजाकिस्तान नाल हुई है ओके इन ट्रिक दे नाल याद कर सकते हो क्योंकि पिछले कई मतलब कि न्यू एग्जाम्स हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज पूछिया गईं सी भावें वो UPSC का एग्जाम हो ठीक है जो IAS IPS की तैयारी करते हो भावें किसी स्टेट का PCS का एग्जाम हो फिर अदर जो SSC CGL के एग्जाम हो अदर एग्जाम मिलिट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन जो 1-liner क्वेश्चन है पूछा गया ठीक है हम जिम्मे युद्ध अभ्यास है ठीक है USA नाल होया ओके और मित्रा शक्ति ये श्रीलंका नाल होया ओके इस तरह तू ये कि सही आंसर का जवाब दे सकते हो मित्रा शक्ति इंडिया ते श्रीलंका ओके और युद्ध अभ्यास के ना USA नाल होया ओके तो इस नु तुसी रिवाइज कर लियो ठीक है स्क्रीनशॉट ला लियो या फिर मतलब कि जो सारे जो नोट्स है MCQ है वो सारे एग्जाम की क्लास ऐप से फ्री अवेलेबल है PDF तुसी वो पढ़ सकते हो ओके और रिविजन कर सकते हो बाकी असी मतलब कि करंट अफेयर जरा साइंस टैक का मतलब कितने भावे घट क्वेश्चन है बट कॉन्सैप्ट जरूरी ही समझने क्योंकि अगर तुम कॉन्सैप्ट की समझ आएगी तो क्वेश्चन जिदा मर्जी मोल्ड करके आवे बदल के आवे तो मतलब कि आंसर ईजली दे सकते हो ओके बाकी असी साइंस टैक के बाकी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वह भी असं डिस्कस करा नैक्सट लैक्चर में ओके उ तक अपना रिवाइज करो अपना ख्याल रखो और जिस तरह की तुम्हें पता है कि रूमर्स न्यूज़ चल रही ने करो थर्ड वेव से आदियाँ तो यह नहीं कि मतलब तुम जो मैं पहला ही कह कि घर आराम बह जाओ क्योंकि एक दिन खत्म होना फिर एग्जाम होंगे ओके तो फिर इसलिए अपने टाइम में वधिया यूटिलाइज करो वधिया तैयारी करते रहो ओके ताकि जो मतलब कि एग्जाम आन तो तुम फुल प्रिपेयर होवो कि मेरा इस बार तो एग्जाम क्लीयर होएगा ही ओके इस करके पिछली गलतियां ना करो कि लॉकडाउन में फ्री में ही सारा अपना टाइम कटता बट एग्जाम लॉकडाउन तो बाद भी हुए सी तो अगे भी होंगे रहेंगे ओके चलो अपना ख्याल रखियो रिविजन करो थैंक यू सो मच